तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा, अगर आपके पास फोन पे है और फोन पे में आपका बैंक अकाउंट और बहुत ज़्यादा बैंक अकाउंट आपके लिंक हो चुके हैं, उन्हें आप अनलिंक कैसे कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में कम्प्लीटली आपको बताऊंगा कि आप फोन पे में आपके बहुत सारे अकाउंट ऐड हो गए हैं और आप उन्हें हटाना चाहते हो, तो आप किस तरीके से रिमूव कर पाओगे, वहाँ से हटा पाओगे, यानी कि अनलिंक कर पाओगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में बताता हूँ मैं आपको। दोस्तों अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना है, क्योंकि जब भी मैं इस चैनल पर इस तरह की वीडियो पब्लिश करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन में चला जाना चाहिए। तो सबसे पहले हम चलते हैं फोन पे के अंदर। तो चलिए हम फोन पे को इस तरीके से ओपन करते हैं। फोन पे को इस तरीके से खोलने के बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा माई मनी का एक ऑप्शन, ठीक है। ये देखो जहाँ पे हमारी उंगली है, ठीक है, यहाँ माई मनी पे आपको क्लिक करना है। माई मनी पे जैसे ही आप टैप करते हैं आपको ऊपर की तरफ इसे स्क्रॉल करना है। यहाँ पे आपको मिलेगा जैसे कि UPI पेमेंट्स का एक ऑप्शन मिलता है, ये देखो ऊपर पेमेंट्स, ठीक है, उसी पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे इस तरीके से आपके सामने बैंक अकाउंट जितने भी लिंक होंगे वो आ जाएंगे। अब यहाँ पे आपको जिसको भी हटाना है उसी पे टैप कर देना है। यहाँ पे आपके पास एक भी हो सकता है या एक से ज़्यादा हो सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखो एरो का चिन्ह आ रहा है, हम सबसे नंबर फर्स्ट पे एरो पे क्लिक करेंगे, इस तरीके से आपको क्लिक कर देना है। अब आपको इसे स्क्रॉल करना है, अब नीचे की तरफ आपको ये देखो अनलिंक बैंक अकाउंट, इस पे आपको टैप करना है। अब यहाँ पे आपको अनलिंक पे क्लिक कर देना है। जैसे कि दोस्तों हमने क्लिक कर दिया, ये देखो यहाँ से अकाउंट हट चुका है। अब नेक्स्ट आपको आप और भी हटाना चाहते तो आपको उसी पे क्लिक करना है, एरो पे क्लिक करने का जैसे आपको ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अनलिंक बैंक अकाउंट पे क्लिक करना है इस तरीके से। तो दोस्तों इस तरीके से आपको ये देखो मैंने कम्प्लीटली यहाँ पे बता दिया है। तो दोस्तों इस तरीके से आप इसे भी हटा सकते हो इस पर क्लिक करके, और सीधा नीचे की तरफ आएंगे तो इसे भी अनलिंक कर देना है। तो मैं एक यहाँ पे बना रहने देता हूँ और यहाँ पे मैंने हटा दिए हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने फोन पे में कुछ ही सेकंडों में जो भी आपका बैंक अकाउंट लिंक हो गया था उससे आप अनलिंक इस तरीके से कर सकते हैं। इससे आपकी कोई दिक्कत नहीं होगी, आप किसी दूसरे फोन पे में डालेंगे तो आपका अकाउंट अच्छे से चलना स्टार्ट हो जाए, कोई दिक्कत इससे नहीं आती है। बस होता क्या है कि आपके इस फोन पे में आपका अकाउंट अनलिंक हो गया है। आप फिर से करना चाहते तो फिर से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इससे। दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।